OnePlus फाइनली ग्लोबल लेवल पर अपने एक नया फोन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है OnePlus Ace 3 Pro। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फोन ना काफी ज्यादा ट्रेंड में है, और OnePlus ने इस फोन के साथ एक ऐसा नया रिकॉर्ड बनाया है जिसने iPhone तक का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। तो ये फोन ना पॉपुलर इसलिए हो रहा है अपने डिजाइन और फीचर्स की वजह से, तो आप इसका लुक देख सकते हैं, और ये फोन जल्द ही चाइना में लॉन्च किया जाएगा। अब कौन सा रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस फोन के अभी तक सबसे ज्यादा प्री बुकिंग्स हुई हैं, और मैं आपको बताती हूँ डेटा के मुताबिक इस फोन के अभी तक लॉन्च होने से पहले 230,000 प्री बुकिंग्स हो चुकी हैं, और माना जा रहा है कि ये बुकिंग्स और बढ़ सकती हैं क्योंकि फोन लॉन्च किया जाएगा 27 जून को। सो ये जो ए सीरीज है ना, ये फ्लैगशिप सीरीज मानी जाती है OnePlus की, और कंपनी इसके फोन्स ज़्यादातर चाइना मार्केट में ही लॉन्च करती है, और बहुत से ग्लोबल लेवल पर इसके फोन्स लॉन्च किए जाते हैं, हालांकि इंडिया में अभी तक कोई ए सीरीज का स्मार्टफोन नहीं लॉन्च किया गया। सो कंपनी ने लॉन्च से पहले इसका फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है, इसके फीचर्स के बारे में बता दिया है। तो अभी तक फोन को 3 कलर ऑप्शन में देखा जा चुका है। एक जो सबसे पहला डिज़ाइन सामने आया है वो है सेरेमिक वाइट कलर में, और ये फोन इसलिए भी ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि ये पहला फोन होगा OnePlus का जिसमें 6100 mAh की ग्लेशियर बैटरी दी जाएगी। सो ये जो बैटरी है ना, ये स्टैंडर्ड बैटरी से इसमें एक तो 1100 mAh ज़्यादा बढ़ाया गया है। सो माना जा रहा है कि ये जो बैटरी है ये 36 मिनट्स में आपके फ़ोन को 0 से 100% तक चार्ज कर सकती है, और साथ ही इसमें 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। तो इस बार OnePlus ने अपने इस फ़ोन के बैटरी फीचर्स पर बहुत फोकस किया है, और अभी तक का ये सबसे पावरफुल फ़ोन बन जाएगा एंड्रॉयड सीरीज़ में। वैसे और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, ऐसे ब्रांड्स भी ना धीरे धीरे अपने फ़ोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन ये ना एक फ्लैगशिप फ़ोन है, और फ्लैगशिप फोन्स में देखा जाता है मेजरली हमेशा बैटरी साइज़ को कम रखा जाता है, स्टैंडर्ड रखा जाता है ताकि फ़ोन का जो वेट है उसको मेंटेन किया जा सके। लेकिन ये ऐसा पहली बार होगा कि OnePlus अपने किसी एंड्रॉयड फ़ोन में इतने बड़े अमाउंट की बैटरी साइज़ दे रहा है, और इसके बहुत से ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी OnePlus ने रिवील किया है। सबसे पहले ये फ़ोन ना 3 और कलर ऑप्शंस में आता है, वाइट मैंने आपको बताया, इसमें एक ग्रीन और सिल्वर कलर भी है। तो जो ग्रीन वेरिएंट है उसमें एक लेदर फिनिश दी गई है, और माना जा रहा है कि वीगन लेदर फिनिश होगी, और जो दोनों वेरिएंट्स हैं वो ग्लास बैक पैनल के साथ आ सकते हैं। तो इन सब फीचर्स की वजह से ये फ़ोन काफ़ी ट्रेंड में है, लोग पसंद कर रहे हैं और पहले से ही इसको प्री बुक करके रख रहे हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि और एक्सपेक्टेड फीचर्स क्या हो सकते हैं और क्या क्या नया मिल सकता है आपको इस फोन में। तो इसमें आपको 6.78 इंच का एक कर्व्ड डिस्प्ले मिल सकता है, और साथ ही इसमें 1.5K तक का रिजोल्यूशन दिया जाएगा, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट होगा, और जैसे मैंने बताया कि एक फ्लैगशिप फ़ोन है तो इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर मिलेगा जो कि फास्टेस्ट प्रोसेसर है अभी तक का क्वालकॉम का। साथ ही कैमरा फीचर्स पे भी फोकस है, ये तो आपको पता ही है कि OnePlus के फ़ोन्स अपने कैमरा फीचर्स की वजह से जाने जाते हैं। तो फ्रंट में इसमें 16 मेगापिक्सल का एक स्टैंडर्ड कैमरा मिल सकता है, और बैक पैनल में 50 मेगापिक्सल का सोनी का LYT 800 मेन सेंसर मिलेगा। तो अभी तक ना LYT 600 को हम फ्लैगशिप सेंसर मानते थे, तो उसमें आपको OIS सपोर्ट के साथ एक बेटर कैमरा परफॉर्मेंस दी जाएगी, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस फोन में दिया जाएगा। तो मैंने आपको बैटरी फीचर्स बता दिया, कैमरा फीचर्स बता दिया, साथ ही प्रोसेसर के बारे में बता दिया, और इसके डिस्प्ले के बारे में भी बताया। और ये फ़ोन ना कलर OS 14.1 बेस्ड होगा जो कि एंड्रॉयड 14 सपोर्ट के साथ आएगा, तो लेटेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम भी मिल जाएगा आपको इस फोन में। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से फ़ोन लेटेस्ट में ट्रेंड में बहुत ज़्यादा है, और लोग काफ़ी तेज़ी से इसे प्री बुक कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में तो ये फ़ोन लॉन्च होगा या नहीं इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि 2 लाख से ज़्यादा प्री बुकिंग्स हुई है फ़ोन की, तो मेजरली फ़ोन में कुछ ज़्यादा ही कुछ स्पेशल दिया है OnePlus ने इस बार। और जैसे मैंने बताया बैटरी फीचर्स इस बार कुछ नए दिए गए, और ये वीडियो OnePlus लवर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।